रंजीत पुत्र उदास ना हो पुत्र, तू जानता है ना तेरी बेबे तेन उदास नहीं देख सकती। रंजीत पुत्र रात भर हम भी नहीं सोए, सिर्फ सोचते रहे और हम तेन यह कहने आए कि पुत्र तेरी बेबे तेरे नाल है। पुत्र हम जानते हैं पुत्र तेरे पिताजी ने जो किया वो गलत था, वो थप्पड़ मारना गलत था, सेवक बनने की सजा देना गलत था, रंजीत पुत्र तो सुन रहा है ना, हमने सोच लिया पुत्र, हम दोनों थोड़े दिन वास्ते ना तेरी नानी के घर चले जाएंगे, जो कुछ भी हुआ ना सब भूल जाना पुत्र। रंजीत पुत्र बोल क्यों नहीं रहा पुत्र? रानी, आप छोटे सरदार को ढूंढ रही हैं? हाँ, पर वो है कितने? वो तो सूरज की पहली किरण के साथ ही निकल गए थे। कहाँ? छोटे सरदार ने अपना दर्द भुलाकर पिता की दी सजा को हुक्म माना और उस पर अमल किया। शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। आप सबके शस्त्र तैयार हैं। रंजीत सिंह ये काम हम खुद भी कर सकते थे। ओए सुखी, तू खामखाई परेशान होता है, शस्त्र चलाना हो या उन्हें साफ रखना, तड़े रंजीत दा उत्साह कभी कम नहीं होता। चलो जी लगा है मेरी नस खिंच गई। ध्यान नाल दो मिनट। शुक्रिया प्रावा, वैसे शस्त्र सारे तूने एकदम कांच की तरह चमका दिए हैं। तेल से रगड़ा है ताकि इन पर जंग ना लगे, और ये खास लोहे से बने शस्त्र हैं। आप सभी ने ऐसे साफ रखा करो। जी इन्हें साफ रखने के लिए तू है ना, और वैसे भी ऐसी अच्छे शस्त्र चलाना सीखने आए हैं ना कि तेल रगड़ने। सच को स्वीकारना होगा कि ये मुंडे देश का तारा बनने के लिए चुने गए हैं और ये नहीं। रंजीत सिंह, ये हर जगह ही आ जाती है। तुम ये सब महल से ढूंढ कर आई हो? नहीं, ये सब सेवक जी ने उठाया। मेहताब, मैं यहाँ सेवा करने आया हूँ, ये दावत खाने ने। एक गल दस, अगर हम किसी की सेवा करें और वो सेवा ना स्वीकारे तो बुरा लगेगा ना? मैं ये सब तेरे लिए लेके आई हूँ और तू नहीं खाएगा? भेजा सेवा स्वीकारिए छोटे सरदार। रणजीत सिंह तलवार लेकर आओ। ये खुद नहीं ले सकता क्या? चुप कर मेहता, कौन ये काम है मेरा, सेवक हूं मैं। मुझे दूसरी तलवार चाहिए। मैंने तुम्हारे वजन के हिसाब से तलवार दी थी। अपना हिसाब अपने पास रखो, मुझे एक बेहतर तलवार चाहिए जो सबसे उम्दा हो।
ये लो, ये सबसे उम्दा तलवार है। ओ, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, किसने नहीं देखा। रंजीत, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी ये तुच्छ सेवा देखकर मेरे दिल को कितनी ठंडक पहुंच रही है। सेवा करना तुच्छ नहीं होता सुहावा, क्योंकि सेवा करना हम सिखों का धर्म है। अच्छा, फिर तो तुम्हें जानकर खुशी होगी कि सरदार दल सिंह जी ने तुम्हारे लिए भारी भरकम सेवा का प्रबंध कर रखा है, कहीं धर्म के रास्ते से भटक ना जाने। रास्ता चुना है चलने के लिए, अब चाहे वो कितना भी मुश्किल। रंजीत सिंह, मैंने तुम्हारे पिताजी से विनती की थी कि ऐसे भारी कामों के लिए तुम्हें मदद दी जाए, पर उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा है कि ये सारे काम तुम अकेले करोगे। शस्त्र विद्यालय में उनके शस्त्र साफ करेगा, घोड़े तैयार करेगा, उन्हें जिस चीज की जरूरत है वो उन्हें ला कर देगा। सेवक बनकर रणजीत सिंह ला गुस्सा। कुछ भी कहो गुलाब सिंह, लेकिन रणजीत जरा भी नहीं टूटा।